दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Realme 11 सीरीज और Realme C सीरीज के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Realme 11X 5G और दूसरा Realme C55। तो आज हम करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ, और साथ ही साथ इनके स्पेसिफिकेशन मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के प्राइस हम जान लेते हैं। तो Realme 11X वैसे वेरिएंट में आता है, लेकिन हमारे पास है 6GB 128GB वेरिएंट जो आपको 14,999 रुपए का मिलता है। वहीं पर Realme C55 तीन वेरिएंट में आता है दोस्तों, और ये हमारे पास 8GB 128GB वेरिएंट जो कि आपको 13,499 रुपए का मिलता है। Realme C55 एक 4G स्मार्टफोन है और 11X है 5G स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन येलो कलर के बॉक्स में आते हैं, जहां मोबाइल का डिजाइन आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। बैक साइड में हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बॉक्स एसेसरीज की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट TPU केस मिल जाते हैं, सिलिकन के काफी सॉफ्ट। चार्जर अडेप्टर मिलेंगे 33W के सुपर बोक जो कि मोबाइल को 29 मिनट में ही 50% चार्ज कर लेंगे, और व्हाइट कलर की Type-A to Type-C USB केबल मिल जाती है। और ये है दोनों स्मार्टफोन, जिनके फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील हो रहे हैं, एक जैसा साइज है दोनों स्मार्टफोन का और एक जैसी थिकनेस आपको मिलती है। दोनों पर आपको मिलेगी पंच होल डिस्प्ले और प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी आपको दोनों स्मार्टफोन पर मिल जाता है। साइज देखिए दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था, यहाँ पर फास्ट ऑन हुआ है Realme 11X। और अब देखिए दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल, दोनों में आपको बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल मिलते हैं, काफी यूनिक से बैक पैनल दिए गए हैं, काफी चमकदार, जिन पर लाइट का रिफ्लेक्शन देखिए मूवमेंट करने पर आपको अलग अलग टाइप के कलर नजर आ रहे होंगे जो काफी बढ़िया लग रहे हैं। बाकी नीचे Realme की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल दोनों स्मार्टफोन का अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर 11X में आपको एक बड़ा सा लेंस दिया गया है, जिसके अंदर दो छोटे छोटे कैमरा फिट किए गए हैं, और यहाँ और Realme C55 में आपको दो बड़े बड़े साइज के बराबर लेंस नजर आ रहे होंगे, और इनके अंदर भी आपको और यहाँ भी आपको दो ही कैमरा मिलते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको मेन कैमरा 64MP का और 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है, और फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन में जो पंच होल मिलती है इनके अंदर आपको दिया गया है 8MP का सेल्फी कैमरा। दोनों मोबाइल के जो कॉर्नर है राउंडेड और यहाँ आते ही बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन की पर फिंगरप्रिंट सेंसर को भी अटैच किया गया है। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए 11X दे रहा है, C55 में कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड में मिलेगी सिम ट्रे और बॉटम में 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन की पावर को तो हमने ऑन कर लिया है, इनकी जो ब्राइटनेस है वो भी 100% की हुई है, और वॉलपेपर हमने एक जैसे रखे हैं ताकि आपको कंपेयर करने में कोई दिक्कत ना आए। तो करीब से दोनों की डिस्प्ले देखिए, कलर्स और ब्राइटनेस काफी अच्छी मिल जाती है। 680 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दोनों स्मार्टफोन में दी गई है। एज और बेजल्स बिल्कुल सेम टू सेम, कॉर्नर और ऊपर से पतले, नीचे चिन थोड़ी ज्यादा दी गई है, आइकन एक जैसे हैं। दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करते ही आपको सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे, काफी सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी दोनों फोन में मौजूद मिल जाती है, हालांकि आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट का अंतर है दोनों स्मार्टफोन में, 11X में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट और C55 में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। वैसे दोनों स्मार्टफोन के टच बहुत स्मूथ और फास्ट लग रहे हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD दोनों स्मार्टफोन में मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो है 20:9। स्क्रीन रेजुलेशन दोनों स्मार्टफोन में 1080x2400 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 392 PPI की मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 91.4% का दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। Realme UI वर्जन 4.0 का दोनों स्मार्टफोन में मिलता है और Android 13 पर रन कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो 2.2GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है Realme 11X में, और चिपसेट MediaTek Dimensity 6100 प्लस का दिया गया है जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं। 6GB रैम आपको दी गई है और आप चाहो तो रैम को दुगना कर सकते हो वर्चुअल रैम की सहायता से, और 128GB का स्टोरेज टाइप UFS 2.2 और एक्सपेंडेबल मेमोरी यहां 2TB तक बढ़ा सकते हैं। रैम टाइप LPDDR4X।
वहीं Realme C55 में 2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है और चिपसेट MediaTek Helio Z88 का दिया गया है जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G52 के ग्राफिक मिलते हैं, 8 GB रैम LPDDR4X की, 128 GB का स्टोरेज दिया गया है, एक्सपेंडेबल मेमोरी यहाँ आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का मिलता है। वहीं पर दोनों स्मार्टफोन का जो अंततः स्कोर है 4 लाख से ऊपर चले जाता है 11X का और 2.5 लाख से ऊपर जाता है C55 का, तो यहाँ पर काफी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है वो बिल्कुल सेम दिए गए हैं और ओपन करके देखते हैं यहाँ पर और एक छोटी सी नजर डालते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के कैमरा पर, तो कैमरा क्लैरिटी तो एक जैसी मिलेगी, एक जैसे कैमरा है दोस्तों, एक ही कंपनी है तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसे कैमरा दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों अंतर ये है कि यहाँ पर आपको 11X में मिल जाता है 20X का जूम सपोर्ट और C55 में ओनली 10X जूम सपोर्ट मिलता है और ये दोनों स्मार्टफोन की फुल जूम क्लैरिटी यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ज्यादा जूम पावर आपको 11X में मिलती है। और वीडियो मोड में अंतर है दोस्तों, यहाँ पर 11X से आप 1080p में 30fps या 720p में 30fps में वीडियो शूट कर सकते हो, जबकि Realme C55 से आप 1080p में 30fps के साथ साथ 60fps का ऑप्शन भी आपको दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन मिल जाता है C55 में वीडियो शूट करने के लिए। इसके अलावा मोड सेटिंग में देखते हैं दोनों स्मार्टफोन की, तो प्रो मोड और पैनोरमा, फिल्म मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड, टेक्स्ट स्कैनर और टिल्ट शिफ्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं 11X में। वहीं पर आपको Realme C55 में ओनली स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो और पैनोरमा मोड मिलता है, डुअल व्यू वीडियो मोड, टिल्ट शिफ्ट जैसे ऑप्शन आपको C55 में नहीं दिए गए हैं। चलिए दोस्तों अब दोनों स्मार्टफोन के जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है इन्हें भी चेक कर लेते हैं, तो 8 MP के हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जैसे सेल्फी कैमरा आपको दोनों स्मार्टफोन के मिलेंगे। क्लैरिटी ठीक ठाक लग रही है दोस्तों, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया होता फ्रंट सेल्फी कैमरा में भी 16 MP का दिया होता तो और बढ़िया रहता। वैसे दोस्तों आप करीब से देख सकते हैं किसका कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे Realme 11 सीरीज और Realme C सीरीज के 2 4G और 5G स्मार्टफोन। यहाँ पर 11X लेटेस्ट स्मार्टफोन है दोस्तों, लेकिन ये स्मार्टफोन मुझे काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज लगा, 13,000 रुपये के आसपास इसकी कीमत रहती तो बढ़िया रहता। बाकी C55 में रैम और स्टोरेज तो आपको तगड़ा मिल जाता है, ये स्मार्टफोन भी मेरे हिसाब से 12,000 रुपये का होना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि आजकल Realme काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। वैसे C55 मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, ना ही कोई हीटिंग इशू आता है, जबकि 11X को हमने कुछ दिन यूज़ भी किया है दोस्तों और इसके जो बैक पैनल है ये हीट हो जाता है और बीच बीच में लैग भी करता है। बाकी दोस्तों आने वाले टाइम पर हम गेमिंग टेस्ट भी करेंगे जिससे आपको अच्छे से पता लग जाए कि यहाँ पर गेम कैसा प्ले हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी।